हेलो गाइस, वेलकम टू मुजफ्फरपुर जंक्शन एंड वेलकम टू एज चैनल अनिल जौनपुर रेल फैन। तो हम इस समय हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन जो कि बिहार में लाई करता है, और इस समय हम पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ के पार्किंग की जो सुविधा है वो 24x7 अवेलेबल रहती है, और आप पार्किंग की व्यवस्था आप देख चुके हैं जिसे सामने हम दिखा चुके हैं। और अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ, और आप सामने देख सकते हैं थोड़ी भीड़ दिख रही होगी आपको। तो आपको टिकट वगैरह लेना रहेगा तो आप टिकट यहां से आकर रिजर्वेशन करवा सकते हैं। बाकी ये रहा फ्रंट गेट मुजफ्फरपुर जंक्शन का, आप देख सकते हैं यहां से हम एंट्री करते हैं। वहां पे लोग टिकट ले रहे हैं। तो ये मुजफ्फरपुर का दक्षिणी प्रवेश द्वार है, तो यहाँ से हम दक्षिण की तरफ से एंट्री कर रहे हैं और हम सीढ़ियों के थ्रू ऊपर जा रहे हैं। तो अब हम ऊपर की तरफ आ गए हैं ब्रिज पे, और यहाँ से आप थोड़ा देख सकते हैं बाहर की तरफ। बाकी के लिए बने रहे हमारे चैनल। तो इस समय हम ओवर ब्रिज पे हैं, तो अगर आपको प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 पे जाना है तो आप यहाँ से आसानी से जा सकते हैं। और अगर आपको प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पे जाना हो आप यहाँ से जा सकते हैं। चलते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1, 6, 7, 8 पे जाना हो आप यहाँ से जा सकते। तो अभी मुझे प्लेटफॉर्म पे आया नहीं है, तो हम चलते हैं बाहर की तरफ। और फिलहाल आप ये देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 8 तक जाने का रास्ता है, और अब हम यहाँ से नीचे सीढ़ियों के थ्रू उतर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इधर से एंट्री करेंगे यानी कि उत्तर की तरफ से, तो यहाँ पे स्कैनिंग का ऑप्शन है, लेकिन फ़िलहाल कोई लोग भी इसमें स्कैनिंग का यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर फ़िलहाल ये बंद हुआ है। और दूसरी बात यहाँ पर आप इस क्राउडिंग देख सकते हैं कितनी क्राउडिंग है। तो ये रहा मुजफ्फरपुर जंक्शन का मेन गेट, यानी कि जो उत्तर की तरफ है, तो ये मेन गेट बोला जाता है मुजफ्फरपुर जंक्शन का। और फिलहाल आप बाहर देख सकते हैं पार्किंग की व्यवस्था, और दूसरी बात यहाँ की जो ओवर क्राउडिंग है, आप क्राउडिंग देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे। और दूसरी बात ये है फिलहाल यहाँ की जो भी फैसिलिटी है बहुत ही अच्छी है जैसी भी है, और आप अगर यहाँ से बाहर कहीं भी जाना चाहते हैं तो आप यहाँ आसानी से जा सकते हैं। ऑटो वगैरह की सुविधा सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगी। अगर आप सामने देखेंगे तो यहाँ पे पेशाब घर बनाया गया है सामने, आप देख सकते हैं। उसके बाद और आगे की तरफ आप जाएंगे यहाँ पे पिकअप वगैरह ब्लोरो वगैरह की आपको पार्किंग की सुविधा दिखेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सामान वगैरह ज़्यादा ले जाया जाता है, तो उसके थ्रू यहाँ पे ज़्यादा आपको ये सब दिखेंगी वाहन। और दूसरी बात ये है यहाँ शौचालय की व्यवस्था अच्छी है, और आपको बाहर थोड़ा निकलेंगे तो आपको बाहर प्राइवेट भी काफ़ी मिल जाएंगे शौचालय। और अब हम चलते हैं थोड़ा आगे से घूम के। आप सामने पार्षद कार्यालय देख सकते हैं,
उसके बाद फिर ये रहा बाहर जाने का गेट। तो हम अब चलते हैं बाहर की तरफ, थोड़ा नाश्ता वगैरह करेंगे और उसके बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर हम आएंगे। और मेरी ट्रेन अभी 1 से 2 घंटे के बाद है, थोड़ा बाहर। बाकी के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाकी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।